नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में 22 सितंबर 2018 को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग रेलवे ग्रुप डी की सारी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो एक कोर्स की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चेक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे उसके बाद आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अभी 9,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स और 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनअकैडमी पर अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा गैस होती है आपकी मीथेन, आप सभी जानते हैं। RH फैक्टर किस बंदर से निकला, तो वो है आपका रीसस नामक बंदर। D2O का रासायनिक नाम बताना था, ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। तो D2O का जो आपका रासायनिक नाम है वो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लेंस की क्षमता का मात्रक, ये भी क्वेश्चंस आपका रिपीट था। डायोप्टर होता था, डायोप्टर होता है। और अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को आपका अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीट है। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्वों की संख्या है, ये आपको बताना, तो 63 तत्व होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कितना है, वो है आपका वेबर। नोटबंदी कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 9 नवंबर 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। श्रीलंका की राजधानी पूछी थी, तो श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धनपुरम कोटे। फ्लिपकार्ट के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछे थे, तो फ्लिपकार्ट के जो आपके CEO हैं वो आपके कल्याण कृष्णमूर्ति। मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, ये आपके दिल्ली ने राजस्थान को हरा कर जीती। 11,236 का वर्गमूल बताना था, जो कि आपका 106 है। सबसे बड़ी मांसपेशी के बारे में पूछा गया, तो सबसे बड़ी मांसपेशी है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस। कौन दोस्तों, ग्लूटस मैक्सिमस आपकी सबसे बड़ी मांसपेशी है। B2 का रासायनिक नाम यानी कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना था आपका, वो है आपका साइनोकोवाल्विन। गूगल के CEO पूछे थे, तो गूगल के CEO कौन है, वो है आपके सुंदर पिचाई। और नोकिया के CEO कौन है, नोकिया के CEO है आपके राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंडर 17 वर्ल्ड कप, वो भी फुटबॉल का, किसने जीता, ये जीता आपका इंग्लैंड ने, किसको हराकर, स्पेन को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कोलकाता किस नदी के किनारे हैं, तो आप सभी जानते हैं कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी दोस्तों, हुगली नदी। नेक्स्ट है आपका कि अमलराज का pH मान कितना होता है, तो अमलराज का pH मान होता है आपका 0। फीफा 2017 का बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो फीफा 2017 का जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। इवांका ट्रंप भारत में किस जगह आई थी, तो आप सभी जानते हैं इवांका ट्रंप लास्ट ईयर आपकी भारत में हैदराबाद में आई थी। नीति का फुल फॉर्म पूछा था नीति आयोग का, तो नीति का जो आपका फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कालिदास पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया आपका राम गोपाल बजाज। उसके बाद सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के अध्यक्ष हैं आपके अजय त्यागी। खुल्लम खुल्ला किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो खुल्लम खुल्ला जो है आपकी ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी दोस्तों, ऋषि कपूर की। बजाज ऑटो के CEO कौन है, तो बजाज ऑटो के जो आपके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है आपके रवि बजाज। 13.69 का आपका वर्गमूल पूछा था। अर्जुन पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया था, असम के राज्यपाल कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं आपके जगदीश मुखी। प्रतिहारी वंश के संस्थापक कौन है, तो प्रतिहारी वंश के संस्थापक हैं आपके हरिचंद्रा। स्नूकर चैंपियनशिप 2018 किसने जीती, ये जीती आपकी मार्क विलियम ने। हेलोजन किस वर्ग में रखे गया है, तो हेलोजन जो है आपका 17 ग्रुप में रखा है यानी कि 17वें वर्ग में। सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, सुतांशु इस चंद्र को दिया गया। उनका उपन्यास क्या था, वखार के लिए ने दिया गया। डायनामाइट के आविष्कारक पूछे हैं, वो हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल। और फेरिक ऑक्साइड का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो आपको बताना था, जो कि आपका Fe2O3। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे,
जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए और पूरे बता दिए हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे स्टूडेंट्स सेंड करते हैं जो अलग अलग जगह से एग्ज़ाम दे करके आते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आए नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो पूरे देश भर में चल रहा है, तो प्रत्येक स्टेट का जो क्वेश्चंस पेपर है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर आप सब की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर ऐड हो जाइए, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।